कभी एक ऐसा मोमेंट आया कि आपको ये लगा कि नहीं यार घर वालों का सपोर्ट आ गया सारी चीज हो गई बट अब मुझसे नहीं हो पा रहा है? या वो टचवुड कभी हुआ नहीं है मेरे को मेरी लाइफ में, बिकॉज ये चीज जब मैंने स्टार्ट की थी ना, मेरे को बहुत प्यार था इस चीज से, गेमिंग से। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने आज सिर्फ एन एथलीट स्टार्ट किया था कि यार कम्पीट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। बट फिर धीरे धीरे फैंस का प्यार और ये सब जब चीज आने लग गई, तो मुझे वो एक इंस्पिरेशनल सेगमेंट में लोगों ने डाल दिया कि यार ये आदमी कुछ अलग कर रहा है, ये आदमी चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं गाली वाली नहीं देता, मैं ये सिगरेट विगरेट लफड़ा नहीं कर रहा। तो लोगों का जो गेमर इमेज था कि यार हर कैफे के बाहर उनको वही इमेज दिखती थी, तो मैंने वो इमेज चेंज कर दी। अब मैंने वो एफर्ट लिया बिकॉज मेरे को अपने पेरेंट्स को प्रूव करना था कि यार अगर 10-12 घंटे में खेलूंगा तो जरूरी नहीं है कि मेरे को चश्मे आ जाएंगे, मेरे को आज तक चश्मे नहीं है, मेरे को बैक पेन आ जाएगा। मैं जिम जाता हूँ, मैं फिट हूँ, मेरे को कोई बैक पेन नहीं है, मेरी आईसाइट प्रॉपर है, बस मैं खेलता हूँ। बट ये मतलब नहीं है कि मैं 24 घंटे 36 घंटे सिर्फ खेलता हूँ, मैं रेस्ट लेता हूँ, मेरे को लाइफ को बैलेंस करना आता है, मैं दोस्तों के साथ भी जाता हूँ, मैं अपना वर्कआउट्स भी करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो वो जब फैंस ने ये सब देखा एंड फिर उनके पेरेंट्स मीटअप्स पे आने लग गए, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं यार ये जो मैंने स्टार्ट किया था ये मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, काफी लोगों को और भी प्रॉब्लम्स थी। तो अभी वो डायरेक्शन में जाके ना मैं खेलते खेलते वो सब मिसकंसेप्शन भी क्लियर करने लग गया। तो कभी झुकाव का बात ही नहीं आया कि यार मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाऊं, मेरे को इसमें मजा आता है, प्लस लोगों का इतना प्यार मिलने लग गया है और मेरी अर्निंग से मैं अपनी फैमिली चला रहा हूं, और क्या चाहिए मेरे लिए।